लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य में सीधी सरकारी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग में जो आरक्षण मिलता है उसमें भी 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य में सीधी सरकारी भर्ती में महिलाओं को सीधे तौर पर 35% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग में जो आरक्षण मिलता है उसमें भी 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मनोज। तो बाकी विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि अगला हफ्ता बड़ा अहम है और मध्य प्रदेश में अगले हफ्ते में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है, उसके पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ये अधिसूचना जारी कर दी कि सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। केंद्र ने संसद और 35% मतलब मध्य प्रदेश की सरकार ने 35% कहा, क्योंकि संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात हुई थी। 2% ज्यादा आरक्षण मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी नौकरियों में दिया। और जो इसमें एक अहम बात है कि हर वर्ग की महिला को इसमें फायदा मिले, इसके लिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, मतलब इसे हम आसान भाषा में समझे कि अगर जो वर्ग एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, किसी भी वर्ग में जो आरक्षण से महिला का अगर किसी सरकारी नौकरी में होता है जो कि सीधी भर्ती है, तो उस वर्ग में भी 35% आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। शुक्रिया मनोज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।